माइग्रेन की समस्या कई दफ़ा इतनी घातक होती है कि अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो कम से कम 3 से 4 दिन इसको ठीक होने में लग जाता है। इसमें कई लोगों को वॉमिटिंग आती है, लाइट से परेशानी होती है, आवाज़ सुनने में उनको बहुत दर्द होता है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसे में किसी काम में उनका मन नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, माइग्रेन कई दफ़ा हमें समझने में दिक्कत होती है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप सो रहे हैं, आपने कभी 2 तकिए लगा लिए तो आपको माइग्रेन का पेन शुरू हो जाएगा। आप टीवी देखते देखते सो गए, आपको ध्यान नहीं रहा, आपकी गर्दन का जो सोने का जो शेप था वो ठीक नहीं था, या जिस दिशा में पैर होने थे उधर सिर है, जिधर सिर होना था उधर पैर है, और आपको नहीं मालूम जहाँ पे बेड किस दिशा में लगना था वो आपको नहीं मालूम, और वो आपको सिर दर्द की समस्या धीरे धीरे दे रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए, जानिए। अपने घर में आप जब भी कोई रिनोवेशन कराते हैं या जब भी कोई फर्नीचर लाते हैं, जब उसको आप अपनी पसंद की जगह पर लगाते हैं, तो एक बार ज़रूर वास्तु का जो हिसाब किताब है वो ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आप लाए तो उसको अपने सुख के लिए हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो सामान, वो बिस्तरा, वो टेबल, वो फर्नीचर या वो रिनोवेशन आपका सुख की बजाय आपका दुख का कारण बन जाए, और ऐसे में आपको कोई बीमारी ऐसी दे जाए जिसका इलाज आपको कई समय तक या कई सालों तक करना पड़े। ऐसी ही ये समस्या है माइग्रेन। कई दफ़ा घर के वास्तु को गलत तरीके से होने की वजह से भी हमें सिरदर्द या माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। आज हम इसी पे बात करेंगे और इसका समाधान जानेंगे डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी से। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमने बताया, आग होगा, पानी होगा, गंदगी होगी, तो ये अनबैलेंस बैलेंस ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति को आधा शीश दर्द रहेगा। और चंद्रमा हमारे, अगर वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, तो चंद्रमा का स्थान हमारे घर में या हमारे कार्यालय में, हमारे गोदाम ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट होता है। इस क्षेत्र में जब भी एंट्रेंस बना दी गई हो, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया हो, या इलेक्ट्रिक पोल बना दो, इस स्थान पर अगर ऐसा पाया गया किसी व्यक्ति को है, तो वास्तु दोष इसका निवारण बड़ा प्रमुख है। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। दीपा जी का प्रश्न था, क्या वास्तु में ऐसा पता लगता है कि इस व्यक्ति के वो माइग्रेन हो गया है, और अगर कोई वास्तु दोष था तो कुछ निवारण करने से माइग्रेन जा सकता है। अब जैसा कि हमने पिछले में बात करी थी कि माइग्रेन का मुख्य ग्रह अगर होता है तो चंद्रमा पीड़ित होने से होता है, और चंद्रमा हमारे, अगर वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, तो चंद्रमा का स्थान हमारे घर में या हमारे कार्यालय में, हमारे गोदाम ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट होता है। ये नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका होता है, ये चंद्रमा का ही होता है। इस क्षेत्र में जब भी एंट्रेंस बना दी गई हो, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया हो, या इलेक्ट्रिक पोल बना दो, अच्छा पानी का स्रोत यहाँ बना दो, सेफ्टिक टैंक यहाँ बना दो, इस स्थान पर फायर लगा दो, या तो आग लगा दो या पानी डाल दो, या इस स्थान पर गंदगी कर दो, तो दोनों अवस्थाओं में ये आपका त्रिदोष बढ़ा देगा। क्या होगा उससे? माइंड जो है ना, कंफ्यूज रहेगा। व्यक्ति का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, सोचने की स्मरण शक्ति, ऐसे व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन रहेगा, ये करूं ना करूं, अच्छा डाउट्स बहुत होंगे, होगा नहीं होगा, अपने कॉन्फिडेंस में कमी होगी, अपने आप को किसी से बात करते समय ये डिमोरलाइज कर लेगा, खुद को डिमोरलाइज करता रहेगा, बात करने में एनर्जी जो होगी ना उसकी बहुत कमजोर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस की कमी, डिमोरलाइज होना एक हायर लेवल पे, अच्छा ब्रेन है उसका, एजुकेशन है,
कैपेबल है, फिर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो फाइव एलिमेंट बॉडी में है और फाइव एलिमेंट ये हमारे अर्थ में है, वो उसके मैचिंग नहीं कर रहे, वहां पे मून डिसबैलेंस है उसका, तो मन भटकाओ उसका। हमने रथ का एग्जाम्पल जो बताया ना, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया और एक मन, तो वो जो रथ है ना, रथ वो उसका बैलेंस नहीं है। रथ कैसे समझिए, घोड़ा है ना, घोड़ा, घोड़े के वो ऐसे लगा देते हैं कि पट्टा लगा देते हैं आँख पे, वो इसलिए उसे सीधा दिखाई देता है विजन, नहीं तो उसे पार्कों में घास वास नहीं दिखाई देती खेतों में, पुराने टाइम में यही होता था, तो विजन क्लियर होता, विजन उसका क्लियर होता था। नॉर्थ वेस्ट जो है, यहां से पावर मिलती है ब्रेन को, वायु स्थान है ये, वायु का स्थान। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमने बताया, आग होगा, पानी होगा, गंदगी होगी, तो ये अनबैलेंस, बैलेंस ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति को आधा शीश दर्द रहेगा। वास्तुशास्त्र में कहा है कि अगर इसका निवारण बड़ा सरल है, इस स्थान को समतल होना चाहिए, इस स्थान पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस स्थान पर पानी नहीं होना चाहिए, इस स्थान पर अग्नि नहीं होनी चाहिए। अग्नि तो इसके सामने है ना, पानी इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाके है, यहां नहीं है पानी, ये तो शांत है, और यहां पे हमने कर दी उथल पुथल, त्रिदोष बढ़ाया हुआ है, क्योंकि इस स्थान पर अगर ऐसा पाया गया किसी व्यक्ति को है, तो वास्तु दोष इसका निवारण बड़ा प्रमुख है। एक कांच का बाउल ले लो, बड़ा सरल है, एक कांच का बाउल ले लो, आपके घर की एंट्रेंस हो उसके, आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसके पास जाओ, उस कांच के बाउल के अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दो बस, और फूलों से सजा दो, सफेद फूलों से। दूसरा तरीका, चांदी का फ्लास्क ले लो, जैसे यहां भी एक फ्लास्क रखा हुआ है, इसमें फ्लावर है ना, फ्लावर ये लगा दो, नेचुरल फ्लावर लगाओ। अब समझ लें आप नेचुरल फ्लावर कैसे लगाएंगे, भाई सोमवार के दिन सफेद लगाओ मंदिर, मंगलवार के दिन लाल लगाओ, पिंक हो, लाल हो, रेड फैमिली हो, बुधवार के दिन पत्ते लगा दो, अशोक के पत्ते हो गए, बहुत सारे लीव्स होते हैं, लीव्स लगाओ, बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन येलो लगाओ, और फ्राइडे को दिन आप वाइट कलर के लगाओ, वाइट, स्नो वाइट, वाइट क्रीम, सैटरडे को ब्लू या ब्लैक लगा दो, ब्लू मिलते हैं आजकल को, और संडे के दिन है नहीं ब्राइट कलर, तो इससे आपकी मनोवृत्ति चेंज होगी, आपको पॉजिटिव हील आनी स्टार्ट हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपका ऑरा क्लीन होगा, अब आपका मूलाधार जागृत होगा। इसमें जो रेड कलर नहीं था ना, लम 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 आ जाएगा, और ये सीधा कहां हिट करेगा, सहस्त्र को, दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। यही वो पॉइंट है जहां से ब्रेन को पावर मिलती है, सोचने की शक्ति मिलती है, वो एक नॉर्थ वेस्ट से भी, साउथ वेस्ट से भी मिलती है। जब इसका कोई सब्जेक्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे वो, कि वो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करने के बाद जो है वो सहस्त्र से मूलाधार तक का क्या सिस्टम है वो बताएंगे। उसमें बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, जो आपका सोचना, समझना, स्मरण करना, सूंघना, लव, अफेक्शन, प्यार, इमोशन, ये सब मूलाधार में छुपे हैं, वो खुशबू आना, खुशबू का जाना, वो मूलाधार में छुपे हैं। अब जिस दिन यहाँ रेड कलर का आप लगाएंगे, वहीं आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा, तब आपकी समाधि अवस्था आ जाएगी और ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट ये करना पड़ेगा आपको, और जब आ जाएगी तो फिर आप माइग्रेन, आपका मेडिसिन लेते रहो जब तक है, तो
उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा मेडिसिन का। वो एक समय ऐसा आएगा 6 महीने में एक बार ले लिया, फिर 1 साल में, फिर वो पता लगा मेरा हुआ था यार माइग्रेन, चला जाएगा माइग्रेन। तो ये हमने जाना कि वास्तु में भी क्या इसकी रेमेडी थी। तो हमने एक छोटा सा आपको बताने का प्रयास किया। तो अगले बार जो हम मिलेंगे तो आपसे हृदय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि दीपा जी ने हमें कहा कि अगली बार हृदय के ऊपर बताइए। बड़े सारे लोगों के खत और मेल उनके पास आए हुए हैं कि हृदयघात क्यों हो जाता है, क्या कारण है, क्या उसका भी कोई निवारण है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दीपा जी के नाम में मैसेज छोड़ दीजिएगा, उनके माध्यम से हम एक बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।